गुरु की साथ जी निवास जी हुई गुरु साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी परम पवित्र गोद विच बैठ के जीवन दे वडमुल्ले लाहे रह रहे हो, वडभागे हो। 23 दिनों तो लगातार ये अमृत की वर्खा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कर रहे सन। महान बख्शिश है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज संसार दे राष्ट्रपति ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। तो आप जी संत बाबा गुरदीप सिंह जी महापुरशां तो सरवण कर रहे सी। जौल साहब आप जी नू वडमुला योगदान विचारों दा पा रहे सी। इस तों बाद कोई बोलन दी लोड़ ते नहीं रहिंदी, पर फिर भी आप जी सारे बैठे हो, दो चार मिनट आप जी नाल सांझ पा जा। क्योंकि सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दी जय आप गवाए। सतगुर की सेवा जेड़ी है बहुत कठिन है पर फलदायक है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुंदी किवें सिर दी जय? सिंह साहब कह रहे सी जौल साहब, क्योंकि ये प्यारे एवें नहीं बने, सीस दिते ने पातशाह नूं, इस करके प्यारे कहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सीस भेट कीता धन गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं, इस करके मालक ने इन्हां नूं प्यारे कहा। अज लगभग 200 मैंबरां ने अमृत छकिया है, गुरु के जहाजे चढ़े ने। मैं धनवाद करना चाहना समूह साध संगत का, सेवादारां दा, देश विदेश तो आई हुई संगतां दा। तुसी एड़ा वड़ा महान योगदान पाया, हजारां दी गिनती विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रति अथाह श्रद्धा प्रगट कीती है। ऐसी श्रद्धा ते विश्वास सदा लई बनाई रखना, क्योंकि इस तो वड्डा कोई सतगुर नहीं संसार विच। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जौल साहब एक दिन दस रहे सी कि दुनिया के वड्डे तो वड्डा शरीरक तौर पर गुरु इन्ना कोई वडमुला दुशाला नहीं पाँदा, बस्तर नहीं पाँदा रोज, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हरिमंदर साहिब विच लख डेढ़ डेढ़ लख दो दो लख दा पोशाका रोज पातशाह नूं पहनाया जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सत श्री अकाल। आप जी जितने भी दिन आए हो, लाहा लेके जाना, लाहा लेके गए हो, महापुरशां ने लगभग 34 साल पहला सिर्फ 84 नूं छड के कोतरी समागम नहीं होया, 33 साल लगातार हो गए ने महापुरशां ने अथाह बख्शिश कीती। महापुरश जानदे सी, मैं कल भी बेनती कीती सी, इतना सत्कार करदे सन महापुरश श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। एक बारी कहन लगे, कहंदे जे मेरा बस चले न, ये जिहड़ा शीश महल सतगुरां लई बनाया इसनों सारा सोने का बना दें। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। असी तो अपनिया अपने बच्चे बच्चिया लई सोने दे कड़े, सोने दियां बंगा, सोने दे हार बनाने आ, पर रब दे प्यारे उन्हां दी इक्को ही इच्छा हुंदी है,
अपने सतगुरु नूं सुंदर तो सुंदर देखना आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सब कुछ भेट कर देंदे ने महापुरशां दी तक लगभग 49 साल दी आरजा सी जदों महान शहादत बल्ला चौर दी धरती ते 17 नवंबर 1990 नूं महापुरशां दी शहादत होई और इस संसार दे अग्ञानी ते पलक्कड़ लोकां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख महापुरश अरदास करदे सी जदों छलनिया नाल गोलियां नाल छलनी कर दिता आखो सतनाम श्री वाहिगुरु महापुरश कहिंदे हुंदे सी कहिंदे सी जद किसे ने कहना हवा गर्म वगदी आ लोक दिने ही दरवाजे लगा लैंदे ने उहनां दिने च लगा लैंदे सी महापुरशां कहिंदे सी होनी ने अनहोनी नहीं होना अनहोनी ने होनी नहीं होना आखो सतनाम श्री वाहिगुरु गल्लां नाल गल बणदी नहीं जिन्हां ने निशावर होना हुंदा उह बहुत रौला नहीं पाउंदे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु नूं समर्पित होना पएगा तन करके मन करके धन करके कदे समर्पित हो के तो देखो तुसी कहिंदे हो दुख दुनिया च बड़े ने साडे लई रब ने दिते पर गुरबाणी ते सतगुरु जी ते गरंटी दिंदे ने जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले ए ते सारा दिन किसे ना किसे दी शरण च बैठा ही रहिंदा कदे काम दी शरण कदे क्रोध दी शरण कदे लोभ दी शरण कदे हंकार दी शरण कदे ईरखा दी शरण कदे द्वेष दी शरण पर जब तक गुरु दी शरण विच नहीं आउंदा उदों तक गल बनदी नहीं आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बेनती करां ईरखा नाल ईश्वर ने नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना आखो सतनाम श्री वाहिगुरु किसे ने निर्वैर अकाल पुरख नूं देखना होवे निर्वैर सतगुरु नूं हिरदे चो निर्वैर होके आउणा पएगा महापुरश कहिंदे हुंदे सी इक दे प्रति भी तेरा विरोध रह गया इस संसार विच रब सपने विच भी नहीं दर्शन होणगे तैनू आखो सतनाम श्री वाहिगुरु कि मालक कहिंदे ने सभे सांझी वाल सदायण तू किसे ना दिसै बहरा जियो आ सब तेरे ही बनाए हुए ने पर आनंद कृपा किसते हुंदी है जिसनू तू जनाए सोई जन जाने आखो सतनाम श्री वाहिगुरु फिर बेनती सुननी जिसनू तू जनाए सोई जन जाने जिस ते तेरी महान बख्शिश हो जाए कृपा हो जाए ओही तेनू जान सकदा जिसनू तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा जिनू तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा जनाए दाता ओही तेनू जानदा जिसनू तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा जिसनू तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा जिसनू तू जनाए तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा जिसनू तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा जिसनू तू जनाए दाता ओही तेनू जानदा शुद्ध हिरदे नाल कोई भी आ जांदा जदों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने पंडित शिव दत्त नूं दर्शन दिते बेनती सुन लेना जरा इजातां पातां ते संसार ने बनाईआं इह ऊच नीच ते कमले लोकां ने बनाई आ इह रब ने नहीं बनाई की कहिंदे ने पातशाह कहिंदे ने मानस की जात सब एक पहचान वो उसका बनाया हुआ संसार सब एको जिहा
इस मनुख ने ईरखा नाल किसे नू छोटा बना दिता, किसे नू बड़ा बना दिता। कह दियो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो सतगुर कृपा करन, हुण जाके किते भुल ना जाना। ये जो आनंद आप जी लेके जा रहे हो, एक निजम बनाओ। जिवें महापुरश कहिंदे सी, प्रशादा छकण तों पहलां अपने सतगुर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत वेले दीदार करिया करो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर पता दीदार किवें हुंदा? दीदार करन लई सतगुर दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। करन लई सतगुर दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। करन लई सतगुर दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। दीदार करन लई सतगुर दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। दीदार करन लई दीदार करन लई सतगुरु दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। गल्लां नाल गल ए बणदी नहीं, सिर तली टिकाउणा पैंदा ऐ। गल्लां नाल गल ए बणदी नहीं, सिर तली टिकाउणा पैंदा ऐ। गल्लां नाल गल ए बंदी नहीं, सिर तली टिकाउणा पैंदा ऐ। दीदार करन लई सतगुर दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। दीदार करन लई सतगुर दा सिर पेट चढ़ाउणा पैंदा ऐ। किसे ने दीदार करना होवे, ये सिर दी भेटा पातशाह पहला मंगदे ने। पहले मरण कबूल, जीवन की छड आस, खो सगल की रेणका। तो आओ हमारे पास, एक खोपरी दा संसार दे सोच नाल भरी हुई इस मनुख दी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अंदरों निकलदा ही नहीं, दुनियादारी इस दी खोपरी चो जद तो इनू होश आई आ, इस दे अंदरों संसार नहीं निकलदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। खाली कर, जितने भी महापुरश संसार ते अवतारी पुरश आए ने, उन्होंने एको ही बचन किया कि मैं करना, मैं आप जी नाल सांझ पाला। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन नूं कहंदे, अर्जुन इस मन रूपी बाल्टी नूं खाली कर, मैं कुछ पा सकां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुर भी कहंदे ने, ये मन ते भरिया होया बेकारां नाल, इसनू खाली ता होना इसने जे किते मत गुरु दी ले लांगे। तां आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। खिमा करना समा हो चला, बड़ा आप जी ने सुनिया, हुण तां सिर्फ प्रैक्टिकल विच पाउणा पएगा कि किन्ना कि नितनेम वधदा। एक वारी पुछिया महापुरशां नूं, महाराज जी आप जी कहिंदे हो कि किरपा ते गल खड़ी है, किवें पता लगदा भी किरपा हो गई जां किरपा वध गई जां किरपा घट गई? कहण लगे, जद नितनेम सिमरन सेवा वध जाए ते समझ लैणा किरपा वध गई, जद नितनेम सिमरन दर्शन सेवा कट जाए समझ लेना कृपा कट गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनवादी महापुरखां दे श्री मन संत बाबा गुरदीप सिंह जी खुजाले वाले अथाह प्यार करते ने। जौल साहब, सिंह साहब सदा भगवान सिंह जी जौल, हिरदे दे जिदा कहिंदे ने हिरदे ते निवास करदे ने साडे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कल बड़ी दूर सी, शाम नूं मैं बेनती कीती अगर आप आ जाओ। कहिंदे हुण तां मैं काले संघियां दे नेड़े आ, हुण जे मैं चलिया भी ते 10 वजणे आ इत्थे पहुँचदे पहुँचदे। किते दुपहरे किते टैलीफोन कीता हुंदा ते जरूर दर्शन करदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सौदा प्रेम दा,
आ जिहड़ा सौदा तुसी लै के चले हो ना दुनिया नाल तां करदे हो, किते सतगुर नाल करके देखो। सौदा प्रेम दा करके गुरां नाल वेख ले, 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 सौदा प्रेम दा करके गुरां नाल वेख ले। इन्ने सौदे किए आ, प्लाटां दे सौदे करदा, घरां दे करदा, जमीनां दे करदा, कदे सतगुर नाल भी सच्चा सौदा करके देख के दुनिया नूं सुनाई जांगा वी गुरु नानक ने सच्चा सौदा कीता सी, आप झूठे सौदे करी जाना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुर कृपा करन, क्योंकि विचार तां अणमुक हुंदे ने। समां तकरीबन 3 मिनट बाकी रह गया 4 बजन च, क्योंकि आप जी नाल वादा कीता सी कि 4 बजे समाप्ति हो जाएगी। आओ आखरी पंक्ति पढ़ के फिर आनंद साहब जी का पाठ करिए। सिख की किते अवस्था आ बन जाए, मेरे नाल बोलना जरूर। तेरा दीदार सतगुर लगता है सब तो प्यारा, तेरा दीदार सतगुर लगता है सब तो प्यारा, तेरा दीदार सतगुर लगता है सब तो प्यारा, दर्शन बिन रह नहीं सकते जग विच नहीं होर सहारा, दर्शन बिन रह नहीं सकते जग विच नहीं होर सहारा, दर्शन बिन रह नहीं सकते जग विच नहीं होर सहारा, दर्शन बिन रह नहीं सकते जग विच नहीं होर सहारा, सेवा नहीं मिलनी सस्ती चलता है सिर पे आरा, सेवा नहीं मिलनी सस्ती चलता है सिर पे आरा, सूली ते चढ़ के बोले आखे सिख गुरु प्यारा, सूली ते चढ़ के बोले आखे सिख गुरु प्यारा, तेरा दीदार सतगुरु लगता है जग तो न्यारा, तेरा दीदार सतगुरु लगता है जग तो न्यारा। महापुरखां दी बरसी 17 नवंबर 2015 नूं दल्ला चौर विखे मनाई जाएगी। उत्थे भी आप जी ने दर्शन जरूर देने। आओ आनंद साहब जी का पाठ करिए फिर खिमा मंग।